वो बरसात के बाद का ये हिसाब है, रोड ऐसी हो गई। ये तो बनी कितने टाइम बाद थी भैया? ये तो 20-25 दिन तो पूरा था ऐसा कि ना लाइट थी ना कुछ था। रोड के सामने से जब गाड़ी आ जाती है ना, धक धक होती। इसको बोलता हूँ देख ले, ये अपना फोन में देखता है, मगर उधर देख वो कैमरा मैन बोलो। इस बार आपको अच्छी अच्छी जो फोटोज और वीडियोज मिल रही है ना, मैंने खींची है, झूठ नहीं बोलता। नीचे से ऊपर आने का रास्ता आप पूरा कैलकुलेट कर लो, कम से कम नहीं तो ना 580 के आसपास पड़ेगा। तू बता दे दिल्ली से है ना भैया? टूट जाएगी देखो लड़क के। सो जी सुबह के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 11:50 एंड धूप देख रहे हो प्रॉपर जिस तरीके से यहाँ पे आ रही है। लास्ट टाइम वाला हिसाब अलग था, जिस समय आया था उस समय का वेदर माहौल बहुत सही था, इस बार का और अलग है। बट सॉलिड धूप हो रही है वहाँ पे, जैसे ऊपर की तरफ आप देखोगे ना ऑरेंज ऑरेंज से पहाड़ देखने लग गए। अब है यहाँ से मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ, जो पार्किंग थी, पार्किंग है वहाँ नीचे की तरफ, वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे पार्किंग करी थी। हाँ वे रात में बैंड बज गई ऊपर 10 डिग्री की, उसमें ना जब आप वैसे करते हो हाइकिंग कर ले हो या कुछ भी कह लो, इस चीज़ को बहुत दिक्कत आती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट टाइम ना मेरा पूरा एक्सप्लोर करना रह गया था जब भी, इस बार वापस से प्रॉपरली सही तरीके से करते हैं। ये देखो ये था रास्ता जिस रास्ते से हम मस्त बहुत जल्दी जल्दी आ गए। वो भैया जिनके साथ आए थे उनको तो रोज की हैबिट है, वो तो प्रॉपरली आ गए। हमारे दोनों के आते आते बैंड बज गई, बोलो इतनी ऊपर आते आते ऐसे हो गए कि यार एक तो वो पता है 10 डिग्री वाला हिसाब था। वैसे तो हम कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, वो और चीज़ की वो नहीं है, 10 डिग्री वाला हिसाब था। अभी देखो ना उसकी स्पीड देखो, वो जा रहा है जो। ये देखो ये ना रास्ता है यहीं तक, ये ख़त्म है ये, इसको तो पहचान गए। एंड भैया पहले बार लास्ट टाइम वाले वीडियो में आए थे ना, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ लेके जा रहे हो हमें? जलोरी पास। रास्ता भाई पहले जो था ना वो तो अलग ही लेवल का था, उससे बहुत सॉलिड अलग लेवल का हो गया। बिल्कुल नैरो होती जा रही है रोड, अभी पीछे से कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रहा था। इतना ही स्पेस है जितनी आपकी गाड़ी प्रॉपरली निकल जाए, इस हिसाब से इतना ही काफ़ी है। ऑन कमिंग व्हीकल हुआ कुछ हुआ तो फिर होने से रहा। बेल्ट पहनेगा? अब चलते हैं यहाँ से जलोरी पास। लगभग लगभग कितना दूर है भैया? 20 किलोमीटर है यहाँ से। 20 किलोमीटर मतलब बारिश होगी भैया आज तो? आज तो लग तो नहीं रहा है। वो बरसात के बाद का ये हिसाब है, रोड ऐसी हो गई। ये तो बनी कितने टाइम बाद थी भैया? ये तो 20-25 दिन तो पूरा था ऐसा कि ना लाइट थी ना कुछ था, रोड़े रोड़े सब कुछ बंद, मतलब रह रहे थे ऊपर से। तो 20-25 दिन तो आप बता रहे थे ना, जैसे कितने गेस्ट भी आपके वहाँ रुक गए थे? बहुत रुके थे और फिर पैदल गए बहुत सारे गेस्ट, यहाँ से नीचे तक पैदल गए। हाँ गाड़ियाँ उधर ही खड़ी कर दी सभी ने, 10-15 दिन गाड़ी ऊपर ही खड़ी थी। माय गॉड पूरा ना जैसे लेफ्ट साइड देखो तो एकदम ढलान है पूरी, कुछ भी नहीं है। पहले शायद फिर भी थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग होती थी, वो तारबंदी जैसे ही है ना इधर दिख रही है लेफ्ट साइड में, वो सारी नीचे बह गई। कई जगह तो हमने वो देखे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, उनके टने भी काट रखे हैं ऊपर, हेड काट के वो रखा हुआ है उस तरीके से। इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरे हैं, वो सारे अभी तक वहीं पड़े हैं, सारी चीजें उस हिसाब से बनाई हुई है यहाँ पे। ये जो रास्ता है ना नीचे से आ रहा है, इस रास्ते से हम रात को गए थे, यही रास्ता जाता है तांडी विलेज के लिए। अब यहाँ से लास्ट टाइम भी जैसे मैं ऊपर गया था आगे जलोरी पास के लिए, वो वाला रास्ता, उस समय तो मैं गूगल मैप से थोड़ा निर्भर था, बाकी थोड़े बहुत लोग बग बता रहे थे। इस बार मैं गाइड भैया को खुद ही ले आया बोलो अच्छे से मेरे को पूरा कराना। मैं लास्ट टाइम भी आया था ना, मैंने कहा देखो सारी चीज़ एक तरफ, मज़ा आया। कौन सी इनकी शॉप? तो उसके हिसाब से क्या है कि लास्ट टाइम वो था
कि मैंने भैया को स्पेशली बोल दिया था, मैं कहा इस बार ना प्रॉपरली मेरे को अच्छे से घुमाना, सारी चीज कराना, जो चीज रह गई है वो करके जाऊंगा। तो वो दिन है, आज का दिन है, फिर आया हूँ दोबारा। रास्तों में देखो बहुत चीजें बदल गई हैं, वो नारो थे या वो थे, वो वाली चीजें थी। अब जैसे एन वाले रास्तों में जैसे जा रहा हूँ, उस दौरान भी एक बार दो बार तीन बार गया, फिर आना जाना इंसान थक जाता है, पक जाता है, वो घर चलते हैं फिर कभी जाएंगे, क्योंकि रास्ता वैसे समझ आता नहीं है। और मैप्स के भरोसे जाओ तो फिर तो आप पहुँच गए, जाना कहाँ है ले जाएगा कहाँ, बाकी आपकी किस्मत। गाड़ी की आवाज आ रही है, मतलब पूरा लोड ले रही है यहाँ से। कितने किलोमीटर बताया था भैया? 8 किलोमीटर पूरा स्ट्रेट है। 8 किलोमीटर तक प्रॉपर ऐसा ही रास्ता है। इस रास्ते से दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है सामने से जब गाड़ी आ जाती है ना, धक धक होती है। इसको बोलता हूँ देख ले, ये अपना फोन में देखता है, मैं उधर देख पता नहीं क्या देख रहा है भाई गॉड। इतने पे भी ऐसा सा लग रहा है पूरा, बहुत ज्यादा जान लग रही हो गाड़ी में चढ़ने के लिए। अब ये हाइट कितनी होगी? जलोरी पास की 11,000 सही है, लेकिन रास्ता कितना सही सा है अभी। बट ये है सिर्फ जैसे यहाँ से गाड़ी आ रही है, वो सब आ रही है ना, उनको पास देना ये देना, वहाँ दिक्कत आती है। बाकी सब तो मस्त है। टाइम हो रहा है लगभग 12:52 एंड यहाँ से पहुंचने में कितनी देर लगेगी भैया अप्रोक्सीमेटली? आधा घंटा रख लो यहाँ से, आधे घंटे के आसपास। एंड खाने पीने का भी वहाँ पे हिसाब है? हाँ वहाँ पे है, मतलब रोड साइड पे है बना हुआ खाने पीने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। जिद देख रहे हो आगे ये वाली जो गाड़ी है ना इधर, ये रोडवेज बस है, पीछे पूरी बस जो नॉर्मल वाली थी उसको पूरा पीछे तक भेज दिया, बोला जा निकल आया कैसे। अब यहाँ पे इनकी भी हिम्मत है, दो गाड़ी ना निकले, दो बस लेके आ गए ये। गजब है भाई, अकेले नहीं आता मैं, कभी नहीं आता यहाँ। चला गया बंदा, जिद देख रहे हो, वो बलेरो वाला उधर पीछे लेने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पे ढलान ऐसी है, अगर वैसे भी खड़े होते ना तो भी इंसान डिक्लाइन होता रहता है, ऐसे इस तरह से आता रहता है। बहुत सही है, यहाँ से दिखा रहा है अभी भी कितने किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के आसपास है, 20 मिनट दिखा रहा है। बट जगह वैसी है कि भैया अगर आपके पास लोकल है या आप में वो है आने का तो आप आ जाओ, अदरवाइज गाड़ी लाना ले जाना बहुत तंग है आपका, तो यहाँ मत ही आना, इतनी स्टीप चढ़ाई है। अबे लोड कितना ले रही गाड़ी, तो लोड बहुत ज्यादा ले रही है, इतनी बड़ी गाड़ी है तो इतना है। अब छोटी गाड़ी लिया होगे तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, बस ये हो कि जगह अच्छी हो। बाकी तो रोडवेज बुरी हालत हो गई, सुबह सुबह ठंड होती है, अभी गर्मी हो गई, फिर अलग सी बाहर निकलने पर ठंड होती है, पूरा गला जाम हो जाता है। अब वो मेहनत कर रहे हैं कि बोलो आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो, कुछ भी होने से रहा। ये है जी एंट्रेंस जलोरी पास की, जलोरी लिखा हुआ है यहाँ पे, जलोरी कहते हैं भैया, जलोरी पास आएगा ये जलोरी। वैसा नीचे से ऊपर तक का रास्ता ना बहुत ही बेहतरीन है, आप आओगे तो खुद समझ आएगा, मेरे बताने से नहीं होगा, खुद आओ खुद देखो। मैंने देख लिया, थोड़ा बहुत दिखा दिया, देखो जगह बहुत अच्छी है, आओ तो बेशक खुद से आओ, नहीं तो टैक्सी से आओ, बट आओ जरूर। पार्किंग वार्किंग करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ और। इसको जब से मैं कह रहा हूँ वहाँ पे चले जा, इतनी मस्त वो आएगी वहाँ पे, बताओ आप बताओ जैसे ऐसे चलेगा मस्त रील नहीं आएगी, मानता नहीं है। अभी उसके पीछे जाएगा पता है, वहाँ पे बर्फ है, वो वाले बर्फ के पहाड़ है, बहुत सही आएगी मान जा। जैकेट भी तेरी अच्छी है, उस पर जब चलेगा ना ऐसे ऐसे, मैं यहाँ से जूम करके तेरी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सही आएगी। मैं जाऊंगा कैसे, मुझे ये बता दे तुम। वो क्या सुंदर लैंडस्केपिंग है ना एकदम से। ये वाले पेड़ शायद भैया वो उसके लिए यूज करते हैं ना, ट्री हाउस बनाने के लिए, उसके लिए ये वाले पेड़ यूज करते हैं, जो आपने मेरे को उस समय भी बताया था जहाँ पे हम रह रहे हैं। पूरू कहते हैं उसे, PURU, ये मूरू, मूरू। वो कैमरामैन बोलो इस बार आपको अच्छे अच्छे जो फोटोज और वीडियोज मिल रही है ना, मैंने खींची है, इसका कोई याद नहीं है। ये जा रहे हैं हम यहाँ से ट्रैकिंग के लिए, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी जहाँ पे वो वाला एरिया दिख रहा है। यहाँ से सिर्फ स्टार्ट किया था, 4 कदम ही लिए थे और आप गया ये। ऐसे ही है, अब जाएंगे वहाँ से। किस तरफ जाना है डायरेक्शन तो बता दो उसको।
ऊपर से भैया का है, यहाँ तक है, वहां तक जाना है, थोड़ा और ऊपर है, ये थक जाता है इसलिए यहाँ से दिखेगा भी कि कहाँ जाना है ना, आगे जाके कहाँ जाना है, जाने में दिक्कत है इसको। बकते हुए चलो यूं करते हुए इसको, चल 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 चलो आओ, चलो चलो चल, मैं रिकॉर्ड कर, भाग भाग भाग। पहाड़ के उस तरफ से, इस जनाब के कहने पे, इस पहाड़ के और उस तरफ दूर, वहाँ पे जूम भी नहीं हो रहा इतना दूर, या तो करना ही नहीं था या ऐसा मन कर रहा है, बोलो अब आ गए तो वहाँ तक पूरा करके आएंगे। अब आदत है ना, हैबिट हो गई ना, देखो अब रोज कर सकता है, नहीं कर सकते हैं अब तो, इतना क्या, सही है, बोलो ये कट करूँगा तब भी वहाँ जाएगा नहीं। नीचे से ऊपर आने का रास्ता आप पूरा कैलकुलेट कर लो, कम से कम नहीं तो ना 580 के आसपास पड़ेगा, तू बता दे दिल्ली से है ना। बाय गॉड, वहाँ से वहाँ आने में नानी याद नहीं आती, यहाँ पे आ जाती है, सब सब बैंड बज जाते हैं, माहौल भी तो यही है ना, देख तू दिखा। हाँ, एक तो ये ना कैमरा खोलते बदल जाता है, उससे पहले तो देखो ये चीज़ है, यहाँ पे खूबसूरती बहुत सही है, दूर वहाँ पे वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वो और ललचा रहे हैं। वो भैया कौन से, स्पीति वाले, स्पीति वाले भैया बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, गए हम नहीं, वो भी नहीं। भैया तो बता रहे ना ये वाले तो इन्होंने पहाड़, अबे तेरे को विश्वास नहीं है तो जाके देख ले, देख नहीं तो जाके देख ले, इसको भेज दो भैया है ना, इसको नहीं दो आप, इसको इसके पानी की बोतल दो और तो जा, मैं जा रहा हूँ भैया, तो जा वहीं मिलेंगे, कॉल कर दिया बोतल के ऊपर, तेरा सिग्नल आ जाएगा ना, तेरी तो अलग दोस्ती चल रही है, जा रहा हूँ मैं, सिग्नल आ रहा है, भाई एयरटेल की सिम रखना, हाँ उसका आता है यहाँ पे, और बताओ, फोन भी आईफोन रखना, अच्छी रिकॉर्डिंग आएगी है ना, गोबर में मत चलना, नहीं ये वाला तो कोई नहीं, ये जा सकते हैं, सूखे में जा सकते हैं, गीला देख के जाना, नहीं जला भी सकते, वो नारियल का छिलका है ना उससे आप चलाओ, यूं करके एक्सपोर्ट करा दो, यहाँ से एक्सपोर्ट करा दो, मैं भेज दूँ वहाँ जाके, क्या कुछ भी, अब ये मत बोलिए तू वहाँ तक जाएगा, अबे इतना सा तो बचा है भैया, अबे इतना सा नहीं जा सकता, ये वो बहुत ऊपर है, ये तो, ये तो चांद तक ले जाएंगे तेरे को, बड़ा नहीं बोल रहा, ये वाला बोल ना, अब यार इतना आगे तो ये तो बनता ही है ना, फिर उतना पहुँच गए तो थोड़ा और आगे बनाएंगे, ये सीधा कहीं जाने की नहीं थी, वहां से वहां तक मेरे को सिर्फ दिखाया था, ऊपर वहां जो खड़े ना लोग बाग वहां तक जाएंगे, उसके बाद वहां से वहां ये अल्टीमेटली लेके वहीं पे जाएगा, वहां पे वो जो पहाड़ दिख रहे हैं, अलग ही मोटो से आया है ये, यार यहां से ये देख रहे हो ना, वो आपको अलग ही रास्ते में चला गया, अबे उतना सा था सिर्फ, वापस आ जा उधर, आगे को मुड़ जाओ आगे को, अबे बाप बहुत सही जगह जाऊंगा, हां सही है, इसके साथ आ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना। बोलो आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ में कमी नहीं होने देगा, सारी चीज़ें कराएगा जो आप सोच रहे हो करोगे कि नहीं करोगे, जब तक आप सोच रहे हो आप कर चुके होंगे, इसका नंबर डाल दूंगा मैं लिंक में, हाँ डिस्क्रिप्शन में तो इसका नंबर डाल दूंगा, टूर गाइड, बोलो ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे, बोलो अपॉइंटमेंट लेके, ये और ये अभी तो जाने का रास्ता भी अलग से बना रहे थे, बोलो तू निकल यहाँ से, नीचे से रास्ता है ये, एक्चुअली क्या ये वो वाली जगह है जब स्नोफॉल वगैरह होती है ना, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं भैया उस एक्टिविटी को, स्कीइंग कर सकते हैं, और भैया सर्टिफाइड स्कीइंग, हाँ अगर प्रोफेशनल हो तो, अगर नहीं वैसे भी आप कर सकते हो, बाकी इच्छा है आपकी, बचना तो प्रोफेशनल है, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला है, आप कर सकते हो, बाकी जाओगे तो या तो वापस कर सकते हो,
या फिर वो वन टाइम रहेगा। कसम से एक चीज बोलता हूँ कि जितना भी वैसे कह रहा हूँ मजाक मजाक में या सारी चीज़ों में कह रहा हूँ, आना बहुत सही है। मतलब उसके बाद का जो आपको व्यू दिखता है ना, बहुत अमेजिंग है। इतनी ऊपर आने के बाद लगता नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट वो है कि इस जैसे भैया जैसे इस जैसे हो ना तो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। और व्यू देखो आप, इतना सुंदर व्यू है यहाँ आने पे, क्या सही सा लग रहा है। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊंचाई पे हम आ गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, शायद मैं पहली बार इतनी हाइट पे चल के चढ़ के वैसे आया हूँ। गाड़ी से पता नहीं कितनी हाइट तक मैक्सिमम गया हूँगा नहीं गया हूँगा, बट दिस इज टोटली अमेजिंग मैन। मतलब पूरा रास्ता या पूरी पहाड़ी जिस तरीके से है ना, वो देखो यहाँ की लैंडस्केपिंग टू द नेक्स्ट लेवल। ये रास्ता होता है प्रोफेशनल रास्ता, एक ये होता है हम जैसों का। बोलो ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी आप चले जाओ, वो तो चले जाएंगे उसके बाद। अरे उनको जाके जब हम देखते हैं ना, वो गए और वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं तो हमारे ब्रेक ही नहीं लग रहे। तो फिर मैंने नया वो ढूंढा है, इसको फॉलो कर रहा हूँ। कुल मिला के यहाँ का एक्सपीरियंस ना बहुत सही था, मज़ेदार था। दोपहर के 3 बज रहे हैं बट मौसम और धूप इस तरीके का माहौल है। मतलब बहुत अच्छा सा वो लैंडस्केप है, यहाँ आके थोड़ा इन्जॉय करके आप प्रॉपरली उसमें टाइम स्पेंड करके जा सकते हो। मतलब मस्ट विज़िट है, एक वन टाइम विज़िट कह लो या वैसे कह लो, वन टाइम करोगे उसके बाद है आप पे नेक्स्ट टाइम करोगे नहीं करोगे, बट वन टाइम तो डेफिनेटली मस्ट है। और मेरे जैसा कह रहा है जिसको ट्रैकिंग का इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ जाके भी एक अलग सा मज़ा आया। स्लोली एंड स्टेडीली करोगे तो ट्रैकिंग भी हो जाती है, वन शॉट में करने की कोशिश करोगे तो भैया डेड एंड लग जाते हैं। तरीके से ना ट्रैक करके आ गए, यहीं से स्टार्ट किया था। मैंने तो कॉफ़ी ली, इसने वही सुबह वाली क्या लिया, अंडा मैगी। अच्छी लग रही है, मस्त मस्त भाई। यहाँ पे सॉलिड ठंड है। मतलब ये सामने का जो वेदर दिख रहा है ना, थोड़ी बहुत वीडियो भी हिल रही है इसलिए हिल रही है, हाथ कांप रहे हैं, बहुत ठंड है। अब चलते हैं यहाँ से वापस नीचे होटल की तरफ। ठंड देख के ना यहाँ पे काफ़ी सारे ही लगे थे, मैं कहा ये देख लेता हूँ मम्मी के लिए काम आ जाएंगे, तो एक आधा इनमें से प्रोबेबली लेके जाऊँगा। आंटी अच्छी लगी इसलिए लेके जा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई वो नहीं था।
मतलब ऐसे ना एक चीज है, जितनी मेहनत हमने ऊपर जाने में करी थी ना उतना ही इजी है यहाँ पे आना है ना, एक मजा सा और आता है, जैसे एक फन राइड टाइप हो जाता है प्रॉपरली। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठे रहो, ब्रेकिंग पे अपना ध्यान दो, मोड पे थोड़ा स्लो कर लो एंड ऑटोमेटिकली गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप उठती नीचे उतरती रहती है। ध्यान दो वरना थोड़ा ज्यादा उतर जाओगे, और कुछ नहीं है। मजेदार है, बहुत सही एक्सपीरियंस है। मतलब कुल मिला के ये था कि जो लास्ट टाइम मेरा रह गया था, बहुत सही डिसीजन था आना एंड भैया को साथ लेके आना, अदरवाइज तो हो लिया था। तो कुछ इस तरीके का रास्ता है जो कल रात को अंधेरे में हम दिखा नहीं पाए, बट रास्ता पहले भी सक्रिय था, अब थोड़ा वैसा सा था बारिश के बाद और ये जब सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद तो ये बिल्कुल वो हो गया, बट फिर भी ये है कि मज़ेदार तो है। देखो एक अलग ही, अगर आप एडवेंचर के रूप में आ रहे हैं, वैसी जगह जाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी सेक्लूडेड है, कम लोग जहाँ जाते हैं, अपना वैसा टाइम व्यतीत करने प्रॉपर उसमें पीस पीसफुल नेचर के साथ, देन इट इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। चलौरी पास आज हमने आपको दिखा दिया, पूरा दिन लग गया एक ही उसमें टूरिस्ट स्पॉट या टूरिस्ट एक्टिविटी कहेंगे क्या कहेंगे उसमें करने के लिए, और भी है यहाँ पे नीचे शायद जेबी में है ना भैया वाटरफॉल वाला, जेबी में वाटरफॉल है, जलौरी पास है, प्लस नीचे ही वहीं जाते समय एक रास्ते में एक वो और है मिनी थाईलैंड कहते हैं उसे, वो थोड़ा सा भी हमने आधा ही एक्सप्लोर किया, वहाँ पे भी लेक था रघुपुर, नहीं नहीं पूरा किया ये इतना ही होता है वरना एक दिन में इससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे, बट ओवरऑल ना रास्ता बहुत सही है, बहुत मजेदार है, मजा आता है, फटती है, बैंड बजती है, वो भी अलग चीज है। वो वापस आए भी इतना टाइम हो गया और थकान इतनी हो गई थी ना, लिटरली ऑन पिच डार्क है यहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं देता। सो जी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।